हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बुक पार्ट ऑफ आवर बुक लेट्स स्टार्ट इट इज़ ऑन 37 पेज नंबर ऑफ योर बुक दीज आर क्रॉस वर्ड्स ओके लेट्स डिस्कस फर्स्ट इज समबडी हु यू प्ले अ गेम अगेंस्ट इट इज़ ओपोनेंट सेकेंड समवन हु यू वर्क विद इट इज़ कलीग एंड थर्ड समबडी फ्रॉम द सेम कंट्री As you, it is compatriot. And fourth is someone you are married to, it is spouse. And fifth another name for a friend, it is companion. And sixth number, your mother's sister daughter, it is cousin. And seven, these are your relatives that you go back into the past it is ancestors means purvas and eight someone who is on the same side as you in a game it is teammate matlab jo aapka saathi hai kisi game mein and ninth your mother's brother it is aunt mother's brother's wife it is aunt okay next It is your page number is 42. This part is on your book on 42 page number. Okay. Filling the blanks with the right letters to complete these words. Very beautiful, gorgeous, to trick someone, deceive. When two people or groups discuss something. Dialogue. State of being completely alone, solitude. Or two around something and case an animal that preys on others predators okay अभी मैं आपको जितना करा रही हूँ अभी आप उतना फील कीजिए फिर उसके बाद हम देखेंगे बाकी अभी आपने इतना ही फील करना है एंड अरेंज दिस वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स जो ये आपको वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है ये मैंने अरेंज कर दिए एक बार आप देख लेना अल्फाबेटिकल मतलब आपको पता ही जैसे पहले कौन कौन सा आ रहा है उसके बाद देखना हम जैसे पहले ए वाले जैसे हम सारे हमारे ये सी से शुरू है तो हमने फर्स्ट नंबर पे सी के बाद ए वाला इस तरह से आपने अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करने हैं इनको उसके बाद सी के बाद ए पहले ए ए के बाद हम देखेंगे कि कौन सा हमारा आ रहा है अल्फ़ाबेट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने इनको अरेंज करना है एंड आफ्टर दैट इट इज़ योर बुक पेज नंबर 52 सचिन तेंदुलकर वाले चैप्टर में से है ये लुक एट द टेबल मैच द स्पॉटिंग फ्रेज विद देयर मीनिंग ये हमको इनको मैच करना है जंप द गन जो ये है फर्स्ट जो हमारा है ये मैच हो रहा है सी से डूइंग समथिंग टू अर्ली विदाउट थिंकिंग अबाउट इट मतलब कुछ काम बिना सोचे समझे जल्दी से कर देना सेकेंड द बाल इज इन योर कोर्ट इट इज विद ई इट विल बी मैच विद ई वेन यू हैव टू मेक द नेक्स्ट मूव और डिसीजन जब आपको कोई नया डिसीजन लेना है थर्ड इन द पोल पोजिशन इट इज़ विद बी बींग इन द बेस्ट पॉसिबल पोजिशन एंड फोर्थ ऑन टारगेट मेकिंग गुड प्रोग्रेस एंड लाइकली टू अचीव द गोल जब आप अच्छी प्रोग्रेस करने जा रहे हैं नेक एंड नेक इट इज़ बींग एट पार विद समवन एंड सिक्स्थ इज कीप योर आई ऑन द बार टू बी फोकस्ड मतलब कि फोकस रखना बिल्कुल ध्यान रखना अब आप हमें ये जो ये मैच हमने किए हैं अब हमें इनको वी हैव टू फिल इन दिस फिलिंग द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू इट फर्स्ट आई हैव डन ऑल आई कैन ऑन टारगेट नाउ फाइनली वी आर इन पोल थिंग्स विल मतलब हम जो है इन पोल का मैंने आपको मीनिंग बताया है कि इसमें इन पोल वाला ये आपको बताया है मैंने कि अब हम जो है इन पोल पोजिशन मीन्स बींग इन द बेस्ट पॉसिबल पोजिशन मतलब कि अब हम जो काम है हमारी फेवर में होगा वी आर नेक एंड नेक विद द अदर टीम सो वी आर रियली हैव टू वर्क हार्ड टू विन दिस नेक एंड नेक का आपको मीनिंग बताया है कि एट पार पोजिशन पे है मतलब कि दोनों टीम्स में सेम कंपटीशन है यू नीड टू कीप योर आई ऑन द बॉल मतलब आपको फोकस रखने की जरूरत है एट दिस इज अ क्रूशियल स्टेज ऑफ द गेम I need think carefully about my next move. I don't want to jump the gun. Don't want to jump the gun का मैंने आपको बताया कि कुछ काम समथिंग डूइंग समथिंग टू अर्ली विदाउट थिंकिंग मतलब बिना सोचे समझे कोई काम जल्दी से कर देना ऐसा नहीं होगा करना है ऑन दिस वन एंड मेक अ मिस्टेक भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं आवर स्कोर इज टेकिंग
along nicely. I really think we are on target to win this. On target का आपको बताया है कि making good progress, भी हम अच्छी progress कर रहे हैं. Okay? And now it is on the page number 61 of the poem 9 gold medal. From the poem find four verbs. हमने poem में से four verbs ढूंढे हैं जो movement में हैं. और आपको you have to make sentence your own. Okay? First is gathered. Second is charging ahead. Third is stumbled and fourth is staggered. Okay? Gathered मतलब इकट्ठे होना, charging ahead मतलब आगे बढ़ना, stumbled मतलब कि लड़खड़ाना और staggered means walk unsteadily मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा चलना. Okay? Now you have to make sentences of your own. Okay students, now fill this bookwork in your book. Thank you.